सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो रहेगा एजाइल टिप्स एंड ट्रिक्स के पार्ट टू के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आप लोगों को करना चाहिए एज एन एजाइल, और किस तरह से हम लोग जोन में रोटेट करते हैं और जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ आपको इसमें बताऊँगा। और ये शायद ये बहुत ज़्यादा पुराना वीडियो तो मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये शायद एक पेड स्क्रीन्स का ही गेम प्ले था। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस मैच है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाला मैच देख के और बहुत कुछ जिससे सीखने मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो में हम लोग लाइक गोल रखेंगे अपना 250 लाइक्स का। तो जल्दी से जाके लाइक कर लो वीडियो को, और अभी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अरे गाड़ी उतारी है ओपी ना। तो अभी हम लोग अपने ड्रॉप पे उतरे होते हैं, और अपने जो दो बंदे रहते हैं वो ड्रॉप तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ओपन में कुछ बंदे उतरे हैं, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि उनको ले ले, क्योंकि उन लोगों के पास गन रहती है। तो अभी वो उन बंदों को मारने के लिए जाते हैं। दूर से हाँ, मैं तुम पे आ रहा हूँ। अरे उनके बाकी दो बंदे आ गए। अरे यार, अच्छा भाई गन, अच्छा एमओ ही नहीं है। एमओ नहीं है। फिक्शन जल्दी आ जा। आ गया। अरे फिनिश कर। गली में जा रहा हूँ, ठीक है? साइड आ जाओ। भाई। क्या बंदे थे? यार। भाई अभी अपने जो टीममेट होते हैं वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली मार देते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या हो जाती है, वो कम से कम दो या तीन बंदे नॉक भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी एमओ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्पॉन में अपने को सिर्फ और सिर्फ एके एम में 30x30 एमओ ही मिलती है। तो वो अपने तीन बंदे तो उनके नॉक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो मर जाते हैं क्योंकि एमओ ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ थ्री मैन ही रह जाते हैं, लेकिन हम किस तरह से थ्री मैन में भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग चिकन डिनर निकालते हैं वो आप लोग देखना, आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। गाड़ी लगा दो, उसी टिप में गाड़ी लगा दो, सेफ रहती है। तीन बंदे, तीन या दो तो है। तो एक चीज़ जो आप सब लोगों को जानना ज़रूरी है कि अगर आप कभी भी अपनी टीम को आईजील कर रहे हो, तो ट्राई करो कि आप जितने भी मैप्स रहते हैं अपने इरेंगल, मीरामार, विकेंडी, सेनाग, जितने भी रहते हैं उन सब में एक रोटेशन पैटर्न बना लो। मतलब कि जैसे अगर जोन इरेंगल में राइट साइड को जाता है, लेफ्ट साइड को जाता है, या बॉटम में जाता है, या फिर बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट में जाता है, तो आप लोगों को पहले से लेकर तैयार एक रोटेशन पैटर्न करना है अपना, जिसके हिसाब से आप लोग जोन के अंदर एंटर कर सको। और मैक्सिमम टाइम ट्राई करो कि जब भी आप जोन के अंदर जाओ तो उसी रोटेशन पैटर्न के साथ जाओ, क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या, एक तो आपकी टीम को पता चल जाएगा कि आपकी रोटेशन कहाँ से कैसी जाती है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाएगी कि जिस जगह से आपकी रोटेशन पैटर्न है और जहाँ से आप लोग रोटेट करते हो वो वाली जगह आपकी टीम को समझ आ जाएगी। मतलब उस जगह पर कितनी भी डिप्स है, जो कुछ भी मतलब रहता है, वहाँ पर कैसे फाइट लेनी है, आप अगर रेगुलरली स्क्रीन से वही रोटेशन दोगे और हर जगह वही रोटेशन दोगे, तो आपकी टीम को पता चल जाएगा कि ये वाला रोटेशन पैटर्न है अपनी टीम का, और यहाँ पर हम लोगों को कैसे फाइट लेनी है और कैसे अंदर जोन के अंदर जाना है। एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है आप डायरेक्ट पुशिंग करके सेंटर में चले जा रहे हो जोन के, क्योंकि देखो अगर आप अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे लेके जाते हो जो जगह बेनिफिशियल है, और वहाँ से बहुत सारी जगह स्काउट हो सकती है, मतलब कि मैक्सिमम जगह की इन्फो निकल सकती है, दूर दूर तक स्काउट किया जा सकता है उस जगह से, तो वो वाली जगह को ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि उससे होगा ये कि जोन कहीं को भी जाता है तो आपको बहुत सारी जगहों की इन्फो है कि यहाँ पर बंदे हैं कि नहीं है, तो आप लोग ईजिली वहाँ पर जैसे ही जोन बनेगा तो आप सबसे पहले वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम जो टीम्स रहती है वो सेंटर पकड़ लेती है, और सेंटर में इशू ये आ जाता है कि सेंटर में वो ऐसा कंपाउंड पकड़ती है जहाँ से और जगहों की इन्फो ही नहीं होती। तो अभी अगर आप सेंटर में बैठे हो और आपको किसी जगह की इन्फो ही नहीं है, तो भाई जब आपसे जोन हटेगा और आप वहाँ से निकलोगे ना, तो आपको अगर इन्फो नहीं है तो आप डेफिनेटली मर जाओगे अगर अगली साइड अच्छे बंदे रहेंगे। अभी हम लोग यही रोटेशन जो अपनी रहती है उसको फॉलो करके इस वाले घर तक आते हैं, पूरा स्काउट करके अच्छे से आते हैं, और हम लोग इधर रुक के जोन का वेट कर रहे होते हैं। गाड़ी लेके इधर से शूट करो जहाँ जल्दी ले जा रहा है।
जिस घर पे हम लोग रुके थे वहाँ से आगे वाली रिज की इन्फो मेरे को थी, तो जैसे ही जोन बनता है हम लोग आगे वाली रिज पे आ जाते हैं। और हम लोग इस रिज के एज पे इसलिए रुके होते हैं क्योंकि भाई आगे तो देखो बंदे हैं, दिखती सी बात है, लेकिन हम लोगों पे ऑप्शन रहता है कि हम आगे वाली रिज तक चले जाए। लेकिन अभी हम लोग वो चीज़ क्यों नहीं करते, उसका रीज़न सिंपल सा है कि जहाँ पर अभी हम लोग हैं अगर हम वहाँ से आगे जाते हैं तो कोई ना कोई टीम देखेगी कि हम लोग जहाँ पर थे वो वाली जगह खाली हो चुकी है, तो वो लोग वहाँ पर आएंगे और वहाँ से हम लोग बीच में एक तरह से सैंडविच हो जाएंगे, क्योंकि आगे से भी बंदे मारेंगे और पीछे से भी मारेंगे। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि मैं अपने दो बंदों को आगे आगे भेजता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसी एज पे रहूँ ताकि पीछे से कोई भी बंदा आए तो मैं उनको रोक सकूँ और वो लोग डायरेक्टली मतलब पुश इन ना कर सके अपनी। हाँ एमो नहीं मेरे पास ज़्यादा, देखो 40 बाय 12 Marked a location. आगे इसके बंदे देख के फिक्शन आ जा तू भी। तो अभी होता भी वही है कि मैं अपने एज पे बैठा रहता हूँ और जोन के साथ कुछ गाड़ियाँ आती है, तो वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि हम लोग इस वाले एज से आगे नॉक देंगे, लेकिन वही चीज़ होती है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ तो वो लोग नहीं कर पाते ये चीज़, उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि पता रहता है कि कोई ना कोई बंदा तो उतार ही देगा अपने को डेफिनेटली। तो इसके बाद जब जोन पूरा क्लोजिंग हो जाता है तो मैं आगे जाता हूँ क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कि अभी अपनी बैक क्लियर है तो हम लोग ईजिली काम कर सकते हैं। भाई एमो नहीं है मेरे पास भाई, खत्म। से कोई स्नाइपर चला रहा है कवर में रहना। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा आगे जाना रहता है जोन में, तो मैं देखता हूँ कि राइट साइड फाइट हो रही होती है तो इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के मैं अपनी बग्गी को ले जाके राइट साइड आगे एक जगह पे खड़ा कर देता हूँ जो जगह जोन के अंदर होती है, और अपने दोनों टीममेट्स को अभी पीछे ही रहने के लिए बोलता हूँ। तो डिप में लड़ रहे हैं लोग, जाओ इधर पहुंच के। अगर आप कभी भी आगे जाके अपनी टीम के लिए जोन बना रहे हो तो भाई स्मोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम के लिए एक एक जगह पे स्मोक कर दो ताकि वो लोग जब आए तो उन लोगों को कहीं से पड़े ना और वो सेफली मतलब अंदर तक पहुंच जाए अपने। नहीं नहीं रुक जा रुक जा, फिक्शन के पास आ रहा हूँ, वो नीचे से पड़ा। फिक्शन जल्दी टच कर, बेटर है ना मूवमेंट। छोटी भी गाड़ी आई, एनिमीज अहेड, और एक है ओपी स्मोक कर। तो भाई पैनिक का सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही बंदा था जो मेरे ऊपर डायरेक्ट चढ़ गया, तो पूरा शेर बन के आया था पर पता नहीं क्या ही हो गया इसको एंड में। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है पूरा पैनिक में आके। भाई क्या हो गया, नेड आ रहा है, ऑलरेडी नहीं है जोन से मारे। अरे देखना किल फिर देख, गो जोन से मारे भाई। अभी अगर आप लोग कभी भी ऐसे जोन में हो तो यही चीज़ ट्राई करो कि अगर आपके पास जोन का एज है तो भाई जोन के अंदर मारना भूल जाओ, क्योंकि जोन के अंदर मार के आप पुश नहीं कर पाओगे, आपको हर जगह से पड़ेगी। तो जोन के अंदर फालतू में अपनी एमओ वेस्ट करोगे और हेलमेट वेस्ट अलग डैमेज कर दोगे। इससे अच्छा जोन के बाहर देखो भाई, जोन के बाहर बहुत सारे किल्स आते हैं क्योंकि ऐसे जोन में भाई सब लोग पैनिक हो जाते हैं और एकदम से जोन के अंदर आने की ट्राई करते हैं, जिस वजह से आपको बहुत सारे किल्स मिल जाते हैं। कोई है नहीं, लेफ्ट में आता एक ही कास है। मेरे पास फुटस्टेप, मेरे पास फुटस्टेप, मेरे पास एनिमीज अहेड। तो अभी भाई यहाँ पर हो जाता हूँ मैं नॉक,
लेकिन मेरे टीममेट्स जल्दी से आके गाड़ी मेरे पे लगा के स्मोक इन कर लेते हैं, क्योंकि भाई 22 बंदे अलाइव रहते हैं, तो डेफिनेटली मेरे को पता था कि लेफ्ट वाला बंदा अपने में पुश नहीं करेगा, क्योंकि इतना दिमाग तो उसमें भी होगा भाई कि अगर वो पुश करने जाएगा तो उसको बहुत जगह से पड़ने वाली है अभी, तो जल्दी से आके, और जोन भी बहुत ज़्यादा धीरे आता है लास्ट वाला, तो ट्राई करते हैं कि मेरे को रिवाइव कर सके और मैं रिवाइव हो भी जाता हूँ। चांसेस किचन मेरे को डेथ वाले बंदे से कवर देना, मैं ऊपर सुन लो। वो मेरे को भी मैं जोन के बाहर स्मोक करके अपनी गाड़ियों को कवर में लेके आ जाता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम के लिए कुछ भी मतलब बेकार हो जाए, इसलिए मैं पहले से लेकर एक हार्ड कवर रखना चाहता हूँ, और मैं अपनी टीम के लिए कवर बना देता हूँ गाड़ियों को, और मैक्सिमम लोग ओपन रहते हैं BIDM के अलावा, तो मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के पास एक तो पहले ही लोग राउंड था और लेफ्ट वाले हम लोगों को ईजिली स्पॉट कर ले, इसलिए मैं पहले ही गाड़ियों को कवर लगा लेता हूँ। भी अगर BIDM क्लियर है तो बताना जेली को। गया ओपी BIDM क्लियर है, लगा लगाया लगा दे दे अपन जोन में। ओपी भी एक सिंपल सी कॉल रहती है कि BIDM के पास एक नॉक निकालो, क्योंकि उस साइड को जोन रहता है और उस साइड हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज में हो जाते हैं, तो इसलिए यही कॉल रहती है कि वहाँ पर एक नॉक निकालो, मैं डायरेक्टली बग्गी से जाके वहाँ पर पुश कर दूंगा। अभी जिस बंदे को नीचे हमने राइट साइड को भेजा रहता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल अदा कर लेता है अपना टीम में, और राइट से पूरा का पूरा चिकन निकल जाता है, क्योंकि वो नीचे रहता है तो उसको पूरा का पूरा दिख जाता है मतलब आगे वाली साइड। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और भाई अपना लाइक एम आप लोगों को पता है कि 250 लाइक्स का है, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन को तो प्रेस कर ले लो अगर आपको कुछ भी इससे सीखने मिला हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।